और क्या हालचाल भाई लोग, तो स्वागत है नए वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे कि कुछ दिन पहले या तुम कह सकते हो रिसेंटली में एकदम कि ट्विटर पे एक बात चल रही थी यान ढांडा को लेकर। और ये डिस्कशन तो तुम्हें पता है सालों से चलती आ रही है, और मैंने जितने भी 70-65 वीडियो जितने भी अपलोड करे यूट्यूब, उसमें से 3 वीडियो OCI प्लेयर पे है। तो बात एक्चुअली हुआ क्या, तो एक बहुत बड़े प्लेयर रियो फर्डिनेंड, तुम्हें पता ही होगा ये इंग्लैंड के लेजेंड प्लेयर हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड, इन्होंने पिच करा। पिच इन द सेंस कि इन्होंने यान डंडा जो प्लेयर है जो कि रॉस काउंटी खेला, उसके एक वीडियो पर उन्होंने रिप्लाई करा कि यान डंडा तुम श्योरली इंडिया के लिए खेलोगे। इस तरह उन्होंने एक रिप्लाई करा एक वीडियो पर, उन्होंने टैग करा कल्याण चौबे जो प्रेसिडेंट है अपने, और साजी प्रभाकरण को लेकर, और इगोर स्टिमैच को भी उन्होंने टैग करा कि आप इस प्लेयर को देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस पे अपने जो साजी प्रभाकरण जो जनरल सेक्रेटरी हैं AFF को, उन्होंने रिप्लाई करा कि अगर यान ढांडा इंग्लैंड की नेशनलिटी छोड़कर इंडियन पासपोर्ट को ले लेंगे तो हम लोग श्योरली उनको वेलकम करेंगे इंडियन नेशनल टीम में। और इस पे एक काउंटर एक और ऊपर से रिप्लाई आता है, यान ढांडा का रिप्लाई करते हैं कि अगर मैं इंग्लैंड का पासपोर्ट छोड़ दूंगा, अगर इंडिया में आ जाऊंगा तो मैं रॉस काउंटी के लिए नहीं खेल पाऊंगा, चाहे और भी यूरोपियन के लिए नहीं खेल पाऊंगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इंडिया की रैंकिंग नहीं है, रैंकिंग चाहिए होती 70 सुपर रैंकिंग होती तभी इंडियंस जो प्लेयर है वो UK में खेल सकते हैं, ये रूल्स है वहाँ के, उन्होंने बना रखा है। इसी रीजन के वजह से तो छेत्री को जब साइन करा गया था क्वींस रेंजर्स, एक क्लब जो कि यूरोपियन क्लब है, तो वो लेकिन खेल ही नहीं पाया था क्योंकि अपनी रैंक ही खराब थी। तो उसने ये बात बोली इसलिए मैं नहीं ले सकता, और उसके द्वारा कहना ये था यान डंडा है कि आप डुअल सिटीजनशिप ही क्यों नहीं देते, मैं इंग्लैंड के भी रहूंगा आप हमें इंडिया के भी दे दें। OCI जो कार्ड होल्डर करते हैं, जो इंडिया से लोग बाहर होते हैं उनके पास OCI कार्ड होता है, ठीक है, तो आप OCI कार्ड वालों को खेलने के लिए मौका देते, उसको डुअल सिटीजनशिप बोलते हैं। ये तुम्हें पता होगा, मैंने वीडियो दो बना रखे, मैं लिंक में दे दूंगा तुम देख लेना, पूरा मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन करा है। तो देखो बात कहाँ तक आती है, देखो क्योंकि ये जो चीज है ना यार, कई सालों से चलती आ रही है, बहुत समय से चलती आ रही है। अमित सिंह का केस आया, फिर अमित सिंह के केस ने उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूँ, मैं पासपोर्ट भी लेना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ ईरान की। फिर कुछ दिन बाद वो प्रो लीग के क्लब के लिए साइन कर लेते हैं जो कि ईरान का लीग है, उसमें तुरंत साइन कर लेते हैं। तो वो एक कहने वाली बात है, लोग कह दे रहे हैं, बट एक्चुअली में जब करने वाली बात है तो लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो देखो उसमें तो है ही, देखो बहुत सारे फुटबॉल टीम्स है, जैसे फ्रांस, फ्रांस की आधी टीम ही है भाई OCI वाले प्लेयर है, अफ्रीकन है लेकिन फ्रांस में खेल रहे हैं। तो ये फुटबॉल में ये पूरा एक चलन चलते आ रहा है, और जितने भी इंटरनेशनल कोचेस होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हर जगह हो रहा है, इंडिया में इंक्लूडिंग इगोर स्टिमैच है, उनको भी ये मे बी जब ज्वाइन करने से पहले कि हाँ मैं आऊंगा इंडिया में, तो मे बी जो बाहर के जो प्लेयर है उनको ले आऊंगा इंडिया में। तो ये चलन चलता आ रहा है, ये हर हर एक के साथ है, अर्जेंटीना जो भी बहुत सारी कंट्री, फ्रांस, तुम किसी का भी नाम ले लो, तुम जैसे इन्हीं का नाम ले लो, मोरक्को को, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मोरक्को के ढेर सारे प्लेयर तो फ्रांस में ही पैदा हुए हैं, तो चला आ रहा है। लेकिन ये इंडिया के साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पहले तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई फुटबॉल के लिए संविधान नहीं बदलने जा रहा है, सिंपल। इंडिया में तुम्हें संविधान बदलना पड़ जाएगा, ठीक है, संविधान बदलना पड़ जाएगा, जो कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है, वो भी फुटबॉल के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि फुटबॉल की अभी उतना पॉपुलैरिटी नहीं है इंडिया में, तुम्हें पता है पॉपुलैरिटी नहीं है, एक्सेप्ट करो पॉपुलैरिटी नहीं है जिस तरीके से क्रिकेट की है। मैं कह सकता अगर क्रिकेट में इस तरह कुछ होता तो मैं भी बदल भी सकते थे, लोग रोड पे आ जाते, मतलब बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अभी फुटबॉल का उतना नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप देने आएगी, क्योंकि अगर तुम अगर कुछ प्लेयर को देना स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत सारे यहाँ हर चीज़ तो पॉलिटिकल चीज़ें घुसी रहती है, तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता ही है कि पॉलिटिकल चीज़ें घुसी रहती हैं। अगर तुम इनको दोगे तो फिर बहुत कुछ आ जाएगा, उनको भी दो, ये करो वो करो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं जहां से इस टॉपिक को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ भाई इस पे, आज से नहीं कई सालों से इस पे डिस्कशन हो रहा है कि ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, जो यूरोप में हमारे प्लेयर से अच्छे प्लेयर उनको ले आओ, इंडिया में नेशनल टीम में खिलाओ और शानदार परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि भाई नॉट गोइंग टू पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप इंडिया नहीं देने जा रही है, नहीं देने जा रही है। मुझे तो यही लगता है जब से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं देखो मेरे से कोई पूछेगा तुम क्या चाहते हो, मैं तो भाई दिल से चाहता हूँ कि हाँ देना चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप भी खेलते हुए, जितना जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ, उतना जल्दी हो जाए, 26 में खेल ले 30 में खेल ले 34 में खेल ले। तो अगर तुम जल्दी देना चाहते हो तुम देना ही चाहोगे। अब देखो यान ढांडा के केस में क्या है,
उसने क्लियर कट बोल दिया कि बड़ा मुश्किल है कि डुअल सिटीजनशिप दो तभी आएंगे। तो अब खुद ही अब उसने बोल दिया डुअल सिटीजनशिप, और डुअल सिटीजनशिप इंडिया देने नहीं जा रही है, तुम चाहे कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो। तो साफ बात है, उसका सीधा कहने का मतलब यही है कि मैं नहीं छोड़ सकता। इसके पीछे तो रीजन यही है कि अब बंदा वो वहां से पासपोर्ट छोड़ेगा, तो तुम सोचो कहाँ पासपोर्ट छोड़, वो इंग्लैंड का पासपोर्ट छोड़कर आएगा इंडिया में खेलने के लिए, और उसके पास क्या मोटिवेशन पॉइंट है? वो मोटिवेशन ये है कि वो नेशनल टीम के लिए खेलेगा और इंडिया को आगे ले जाएगा, बस एक मोटिवेशन है। और क्या सियोरिटी है कि वो बंदा अगर यहाँ का परफॉर्म करेगा, क्या बंदा अगर उसको वहां पासपोर्ट छोड़ दिया, इंडिया का मिल गया, तो भाई बहुत कुछ लूज कर सकता है। तो वो सब दिमाग में चलती है भाई, वो चलती है। तो इसीलिए ऑब्वियसली जो इंडिया से जो बाहर के लोग हैं वो चाहेंगे कि डुअल सिटीजनशिप मिल जाए, जो ओसीआई कार्ड है उसी पर हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है? तो वो वही चाहेंगे। तो ये समटाइम्स क्या होता है कि ये जितने भी प्लेयर होते हैं कि ये जो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन हो, मे बी इंटरनली इंडियन गवर्नमेंट या फिर AIFF इंडियन गवर्नमेंट से मिलकर कुछ कर देते, इसलिए कभी कभी ये डिस्कशन निकल आता है कि ये जो टॉपिक है ठंडा ना पड़े, इसलिए बोल दिया था कोई नहीं आने वाला। मुझे तो ये ऐसे ही लगता है, क्योंकि कोई पासपोर्ट नहीं छोड़कर आएगा, साफ बात है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आएगा एक ही मोटिवेशन, अगर नहीं चला तो फिर बहुत कुछ लूज कर सकता है, उसकी पूरी फैमिली वहीं पर होगी, सब कुछ। इस तरीके की चीजें थी, वो अगर उसको छोड़ना होता तो ऑब्वियसली वो कभी छोड़ के चला जाता। और वो एक ही यान डंडा के प्लेयर नहीं है, बहुत सारे प्लेयर है। ओमिट्स हो गया, अर्जन रैकी हो गया, मार्किंडे, मतलब लिस्ट ही है पूरे प्लेयर्स के, ऐसे तो पूरे लिस्ट ही है। और जिस दिन डुअल सिटीजनशिप देगी वो आ जाएंगे, बट नॉट गोइंग टू पॉसिबल। रियल वर्ल्ड में जीतो, अगर तुम ऐसा सपना देख रहे हो कि हाँ मिल सकता है, तो भाई तुम ऐसा सपना है कि तुम खुले आंखों से सपना देख रहे हो कि ओसीआई प्लेयर को इंडियन नेशनल टीम में खेलने जा रही है, खुले आंखों से। ये इन रियलिटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं होने जा रहा। ये चीज हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? अब देखो इसमें ये भी है कि अभी एक प्लेयर है जैसे कि क्रिमन रणवीर, एक प्लेयर है जो कि बेल्जियम से थे, काफी यंगी है, मतलब मैंने उनके एक दो इंटरव्यू देखे हैं। वो इंडिया में आ चुके हैं, वो पासपोर्ट भी छोड़ने के लिए रेडी, इंडिया में आ चुके हैं और पासपोर्ट के लिए वो दौड़े फिर रहे हैं यहाँ से वहां तक। उनको इंडियन पासपोर्ट मिलने में मुश्किल हो रही है, उन्होंने एक ट्वीट भी करा था, मैंने उसको रिट्वीट भी मारा हुआ है कि भाई जो बंदा इंडिया में आ चुका है उसको उसको एटलीस्ट इंडिया का पासपोर्ट दो, जो छोड़ के आ चुका है उसने बोला और उसने कर भी दिया। अभी उसको इंडिया में पासपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है, सोचो दौड़ाया जा रहा, घुमाया जा रहा। और तुम्हें पता है जो फुटबॉलर, अगर कोई बंदा कुछ दिन तक प्रैक्टिस न करे उसको उस लेवल पे, तो कितना दिक्कत होता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ही ऐसा है, तुम्हें कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मिलना रहता है। जो लोग तुम्हारे पास है उनको एटलीस्ट उन्हीं को सही करो, क्योंकि अब तुम्हें पता नहीं सरकारी चीजें, गवर्नमेंट चीजें तुम्हें पता है ये क्या होता है इंडिया में, तो वही चीज उनके साथ हो रही है। एटलीस्ट जो आ गया है उसको तो हेल्प करो, उसको पासपोर्ट दो, उसको वो सुविधाएं दो। अब जो नहीं आ रहा है, अब ट्विटर पे 1-to-1 बात करने से कुछ नहीं हो जा रहा है, ये बस टॉपिक को गर्म करने का बात है, और मुझे नहीं लगता इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान बदलना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो छोड़ ही दो, वो उम्मीद छोड़ ही दो। तो मैं तो लाइक मैंने तो छोड़ ही दिया, मैंने इस 2-3 वीडियो बनाए, काफी रिसर्च करा कौन कौन प्लेयर है, बट अब मैंने तो उस पर वो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया, और उन प्लेयर के बारे में रिसर्च करना भी छोड़ दिया। अभी क्या ही मैं खोजूं, क्योंकि नॉट गोइंग टू पॉसिबल। जो तुम्हारे पास है उसी को बिल्ड करो, वैसे ही मैनेजर लाओ जो कि इंडियन जो फुटबॉल कल्चर है उसको बनाए, क्योंकि हम भी, तुम्हें पता है हम भी एक टाइम पे बहुत ही अच्छे टीम रहा करते, जब हम ओलंपिक में कर रहे थे 1952 1962 पे, जो अपना पीरियड था, तो हमारा एक अपना खुद का आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी बिल्ड करा भले ही टाइम लगे। तो वो सपना आई थिंक छोड़ देना चाहिए, और मैंने छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। हाँ अब बिल्ड करते हैं अपन, एटलीस्ट वो नहीं कर रहे हैं तो बिल्ड करते हैं एक सही तरीके से, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उन्हीं को लेकर। तो वो चीज़ आई थिंक हमें छोड़ देनी चाहिए। इस पर मेरा यही टेक है। मैं क्या चाहूंगा भाई, तुम लोग भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हमें अब मूव ऑन हो जाना चाहिए, या फिर इस पर और कुछ बचा है डिस्कशन के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।